स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पी एंटरटेनमेंट पे। सभी का स्वागत। तो आज हम लोग ईवीएस कंटेंट सीरीज 7 का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीरीज 1 to 6 ईवीएस कंटेंट का हमने अध्ययन किया और 3-4 सीरीज में लगभग ये सिलेबस खत्म हो जाएगी। इसमें ज्यादा 10 या 15 मिनट का मैं बनाता हूं कि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो चलिए ईवीएस कंटेंट सीरीज 7 पर्यावरण विषय वस्तु का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ईवीएस कंटेंट जो हमारा 7 है, ये सीरीज 7 है ना, आज हम लोग इसी को देखेंगे। सीरीज 7 में क्या बातें हैं, बहुत इससे सीक्रेट में सवाल पूछा जाता है। सबसे पहला क्या है, देखिए गुजरात के बारे में हम बता रहे हैं आपको। गुजरात में कुछ ऐसे जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि वो जगह कहाँ है। तो वलसाड पूछेगा आपको, अहमदाबाद आप जानते हैं, गांधीधाम, ये तीनों कहाँ है, गुजरात में है। ये बहुत आसान है। दूसरा केरल, तो उससे पहले हम गुजरात में देख ले, भी सवाल सीटेट में पूछा जाता है कि गुजरात में खाना, ऐसे तो बहुत सारे हैं वहां पर डिश, लेकिन जो फेमस है जो सीटेट में पूछता है। और हम जितना सीरीज में आपको मैं बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पर्यावरण अध्ययन का 3 to 5 का बुक है, लेकिन हम उतना ही बता रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। तो गुजरात में जो खाना बनता है मुख्य रूप से ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल, ये आपका मुख्य रूप से वहां का भोजन है। अब केरल की बात करें, केरल में कुछ जगह है जैसे कोझिकोड, कोहयाम, ये कहां है, केरल में। और याद रखना है कास है ना, कास से ही दोनों है, इसलिए रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा है ना। केरल की भाषा मलयालम है, केरल की भाषा मलयालम है। जैसे हम लोग यहां पे बोलते हैं अच्छे हैं, वेरी गुड, तो वहां पे बोलते हैं अच्छे को नल्लदा। मैंने क्या कहा, मलयालम जो भाषा है अच्छा को क्या कहते हैं, नल्लदा, मतलब हम लोग अच्छे से नल्लदा। तो ये मैंने आपको बताया कि मलयालम, केरल की भाषा मलयालम है। और वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है, सबसे बहुत सवाल पूछा जाता है, इससे ध्यान दीजिएगा, इससे बहुत सवाल, कि केरल में वलियम्मा किसको कहा जाता है। तो मलयालम में मां की बड़ी बहन को, मौसी को, वहां पे वलियम्मा कहा जाता है। मौसी को केरल में वलियम्मा। अम्मा किसको कहते हैं, मां की मां को, नानी को क्या कहा जाता है, अम्मा। और वहां पे केरल में फेरी नाव है, पानी में एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। तो केरल में आएगा कि कौन सा नाव का क्या नाम है, फेरी, जो एक तरफ से दूसरे तरफ आने जाने में काम करता है। तो मैंने क्या कहा, केरल में मौसी को वलियम्मा और अम्मा नानी माँ को। और ये देखिए चिटप्पन, चिटप्पन चाचा को कहा जाता है, चा से चिटप्पन है ना, और कुंजमा चाची को कहा जाता है। ये बहुत सवाल पूछा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि केरल से रिलेटेड निश्चित है कि आपको 2-3 सवाल रहेंगे। तो मैंने क्या कहा कि केरल में जो दो जगह है, कोझिकोड कोहयाम है, भाषा मलयालम है, और वलियम्मा मलयालम मौसी को कहा जाता है, अम्मा नानी माँ को, और चिटप्पन चाचा को, और कुंजमा चाची को, ये ध्यान रखिएगा आपको। और फेरी मैंने कहा कि केरल में एक प्रकार की नाव है जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में इस्तेमाल होता है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण सीटेट में पूछा जाता है, ये कर्णम मलेश्वरी, आप जानते हैं ये बहुत, इससे भी एक दो सवाल रहते हैं। कर्णम मलेश्वरी जो है वेट लिफ्टर, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं, ये 4 बहन हैं। मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि कर्णम मलेश्वरी से भी सीटेट में सवाल पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेट लिफ्टर है, पापा इसके पुलिस में हवलदार है, 4 वाहन है, कितने वाहन, 4 सिस्टर, 4 सिस्टर, और ये 12 वर्ष से ही ये भार उठाने का काम करने लगी थी, और ये लगभग जो ऐसे 130 केजी वजन तक ये उठा लेती है। और ये 29 मॉडल सी गोट 29 मेडल कहा, भारत से बाहर, आउट ऑफ इंडिया, इतने मेडल उन्होंने अर्जित किया, कौन, कर्णम मलेश्वरी है ना, क्लियर है सबको। चलिए
अब मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, जो आगे सवाल जो सीटेट में पूछा जाता है कि कौन राज्य से कौन कौन सारे पड़ोसी देश हैं, तो एक दिन हम लोग मैप के द्वारा पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं कौन से राज्य हैं, पड़ोसी देश कौन कौन है। तो देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से कौन कौन पड़ोसी राज्य है, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, एसपी, हिमाचल प्रदेश। एसपी क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये राज्य उत्तर प्रदेश इतने सारे। केरल से रिलेटेड कौन कौन है भाई, केरल से कर्नाटक, तमिलनाडु, और ये केरल को देवताओं का शहर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, केरल को क्या कहा जाता है, देवताओं का देश, केरल को देवताओं का देश कहा जाता है। केरल से रिलेटेड कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी एक्चुअली पहले ये पौंडीचेरी नाम था लेकिन अब जगह का नाम पुद्दुचेरी हो गया, लेकिन वहां पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से मैंने आपको बताया था कि मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन वहीं से किया है। ओके चलिए, तो मैंने कहा देवताओं का देश कहा जाता है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाया जाता है, केरल में दूसरी बात जो है केले के फूलों से सब्जी बनाया जाता है। ये दो तीन सवाल पूछा था, केरल में का केरल केला, केरल में केला के फूल के सब्जी से ये यहां पे सब्जी बनाया जाता है ना। अब यहां पे देखें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कौन कौन देश है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, ये सारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये गोवा, ये महाराष्ट्र से क्या है, इसके पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है सॉरी। अब महाराष्ट्र में यहां पे देखिएगा, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से पकौड़े बनाए जाते हैं। अभी मैंने कहा केरल में, क्या कहा मैंने, केरल में केले के सब्जी से, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से पकौड़ी बनाया जाता है, पकौड़े बनाया जाता है। मैंने आपको अभी बताया, ध्यान से देखिए, दो तीन सवाल आपको मैंने कहा, अभी मैंने कहा कि केरल में केला के फूल से सब्जी है ना, सब्जी। दूसरी बात अभी हमने कहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ये सहजन, सहजन के फूलों से पकौड़ी, सहजन के फूलों से पकौड़ी, पकौड़ी, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं है ना। और ये उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, ये और पूछा जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल से, कचनार के फूल से सब्जी बनाया जाता है। तीन बातें मैंने कहा, केरल में केले के फूल से, महाराष्ट्र में सहजन के फूल से पकौड़ी बनता है, और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, याद रखिएगा इसको। तो अभी मैंने आपको बताया कि राज्य कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन से उसके पड़ोसी देश हैं, अभी मैंने बताया तीन, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश में सब्जी जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछा जाता है। अब हम लोग लास्ट में देखें मड़गांव, ये मड़गांव कहां है, गोवा में पड़ता है। मड़गांव जो हमारा जगह है, गांव का नाम है ना, मड़गांव, ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछता है मड़गांव ये कहां है, आपका गोवा में पड़ता है। और इससे रिलेटेड एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये गोवा से रिलेटेड जो कहानी है, गोवा से केरल है ना, रेल की यात्रा है, रेल की यात्रा कहां से, गोवा से केरल रेल की यात्रा, तो जिसमें दो सवाल बहुत पूछा जाता है कि गोवा से जो केरल रेल के द्वारा जो जाया जाता है तो उसमें कितना सुरंगे हैं, 92 सुरंग है, याद रखिएगा इसे, ये बहुत पूछता है, और 2000 पुल है, ब्रिज, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि गोवा से केरल जब रेल के द्वारा जाया जाता है तो कितने सुरंगे, 92 सुरंगे, कितना पुल, 2000 पुल। तो मैंने आपको बताया श्री सेवन में इतनी सारी बातें, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल में सब्जी का मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि केरल में खास करके बताया
कि रिश्ते रिलेशन में मौसी को क्या बोलते हैं, माँ का क्या बोलते हैं, नानी को क्या बोलते हैं, चाचा चाची को क्या बोलते हैं, ये बहुत सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो अभी मैंने क्या कहा, अभी जो मैंने कहा कि गोवा से केरल तक की यात्रा है उसमें 92 सुरंग और 2000